हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन डाइज आफ्टर बीइंग हेल्ड बाय पुलिस। ठीक है, फैमिली एलिजेस थर्ड डिग्री टॉर्चर। ठीक है, जो एक ये आदमी है डाइज, ये ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है मगर ये पास्ट हो चुका है। मैन डाइज आफ्टर बीइंग हेल्ड, पकड़े जाने के बाद। ठीक है, तो एक आदमी, ये जो आदमी है ये ख़त्म हो गया और किसके द्वारा ये पकड़े गए हैं, बाय पुलिस, पुलिस द्वारा। ठीक है, फैमिली एलेजेस, तो जो परिवार वाले उन्होंने आरोप लगाया है। ठीक है, एलेज मीन्स होता आरोप लगाना। थर्ड डिग्री टॉर्चर, ये थर्ड डिग्री जो टॉर्चर है उसका आरोप लगाया परिवार वालों ने। ठीक है, कि उनको थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया पुलिस द्वारा। आइए न्यूज़ पढ़ते हैं, समझते हैं। अ 28 ईयर ओल्ड मैन, एक 28 साल का आदमी, हु यूज़ टू वर्क, जो काम किया करते थे, एज अ डेली वेजर, एक दहाड़ी मजदूर के रूप में। ठीक है, डेली वेजर मीन्स होता है वो जो दहाड़ी मजदूरी करने वाले। एंड बिलोंग टू, ये जो 28 साल का आदमी था, बिलोंग टू रतौल विलेज, तो रतौल विलेज के ये रहने वाले थे, वहाँ से बिलोंग करते थे। ये कहाँ पे पड़ता है, इन यूपीज बागपत डिस्ट्रिक्ट, यूपी के बागपत ज़िले में। ठीक है, तो ये जो 28 साल का आदमी है, वॉज एलेजली, ठीक है, कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, पिक्ड, उठा लिए गए बाय लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस द्वारा। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, एन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स होता फलों का बाग। ठीक है, तो जो एक जो फलों का जो बाग था वहाँ से उनको उठा लिया गया ऑन संडे, रविवार को। एंड टेकन टू अ चेक पोस्ट, उन्हें कहाँ ले जाया गया, ही वॉज टेकन टू अ चेक पोस्ट, वहाँ उन्हें चेक पोस्ट तक ले जाया गया, एट खेकरा पुलिस स्टेशन, खेकरा पुलिस स्टेशन में, ऑन द सस्पिजन ऑफ, ऑन द सस्पिजन ऑफ मीन्स होता है कई संदेह पर, कई शक पर, ऑन द सस्पिजन ऑफ गैम्बलिंग। ठीक है, जुए के शक में उन्हें ये जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे ले जाया गया। ठीक है, द विक्टिम, विक्टिम मीन्स होता पीड़ित, मोहम्मद साजिद अब्बासी इनका नाम है, वॉज लेटर रिलीज, और बाद में इनको क्या किया गया, रिलीज कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। ठीक है, बट लेकिन ही डाइड आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद वो क्या हुआ, ही डाइड, वो मर गए, लेटर मिस होता बाद में, आवर्स लेटर मिस होता घंटों बाद। ठीक है, हिज फादर बाबू अब्बासी, जो इनके पिता हैं बाबू अब्बासी, एलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया डैट की साजिद वॉज बैडली थ्रेस्ट, जो साजिद है उसको बहुत बुरी तरीके से, बैडली मिस होता बहुत बुरी तरीके से, थ्रेस्ट मिस होता पीटना, उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, बाय थ्री पुलिस मैन, तीन पुलिस मैन आदमियों द्वारा। ठीक है, एंड ही वॉज रिलीज्ड, और उसे छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ओनली आफ्टर, तभी हिज कंडीशन डिटेरियोरेटेड, जब उसकी कंडीशन, जो उसके हालात है, डिटेरियोरेट मिस होता है बस से बदतर होना, गेट वर्सन, वो सॉरी वर्सन, तो जब उनकी जो हालात थे बस से बदतर हो गए तब उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, साजिद सकम टू हिज इंजरीज, सकम टू मिस होता है मर जाना किसी किसी बीमारी के कारण या किसी इंजरीज के कारण। ठीक है, साजिद सकम टू हिज इंजरीज, तो अपनी जो उनकी जो इंजरीज हुई थी, चोट हुई थी, उसकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। ठीक है, वाइल बींग टेकन, जब उन्हें ले जाया जा रहा था टू आ मेडिकल फैसिलिटी, एक मेडिकल फैसिलिटी तक, मतलब हॉस्पिटल तक ले जाया जा रहा था। ठीक है, हिज फादर सैड, उनके पिता ने कहा ये बात सब। ठीक, एडिंग और ऐड किया, माई सन, मेरा लड़का, हैड लेफ्ट होम, घर उसने घर से गया था, सेइंग डैट, यह कहकर, आई एम कमिंग बैक, मैं आ रहा हूँ, इन फाइव मिनट्स, पाँच मिनट में। ठीक है, एंड लेटर, और बाद में, अ विलेजर, एक ग्रामीण, टोल्ड अस, उसने हमें बताया डैट की थ्री पुलिस पुलिस कांस्टेबल, तीन जो पुलिस के कांस्टेबल हैं, वर बीटिंग हिम, वो उन्हें पीट रहे हैं, मतलब कि तीन पुलिस वाले कांस्टेबल थे वो उन्हें पीट रहे हैं। ठीक है, मर्सीलेसली, बहुत बेरहमी से। ठीक है, मर्सीलेसली से तो बेरहमी, ही डाइड ड्यू टू पुलिस टॉर्चर, तो वो ख़त्म हुए हैं, जो जो पीड़ित है, ड्यू टू के कारण, किसके, पुलिस के टॉर्चर के कारण वो ख़त्म हुए हैं। ठीक है, सून तुरंत, एंग्री विलेजर्स, तो जो गुस्साए जो ग्रामीण थे, ब्लॉक्ड द नियर बाई रोड्स, तो उन्होंने आसपास के जो रोड्स थे, जो सड़कें थी, उन्हें ब्लॉक कर दिया, उनको बंद कर दिया, एंड डिमांडेड, और मांग की, एक्शन की, कार्रवाई की, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ उन्होंने उनके खिलाफ मांग की, उन्होंने कार्रवाई की। ठीक है, एसपी बागपत अर्पित विजय वर्गीय, टोल टाइम्स ऑफ इंडिया, तो जो एसपी है बागपत के, अर्पित विजय वर्गीय, ठीक, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, वी पैसिफाइड,
पैसिफाई में से होता शांत करना किसी के गुस्से को, ठीक है। द विक्टिम्स फैमिली मेम्बर्स, तो जो पीड़िता के जो परिवार के सदस्य थे उनको उन्होंने पैसिफाई किया, शांत किया। एंड अदर विलेजर्स, जो अन्य विलेजर्स थे जो गाँव ग्रामीण थे उनको भी शांत किया, ठीक है, बाई एश्योरिंग दैम, उनको ये आश्वासन देकर। ऑफ किसका? स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर उनको मतलब कि पैसिफाई किया गया, ठीक है। ही वॉज डिटेन, उनको उनको डिटेन कर लिया गया था, मतलब कि जो पीड़ित हैं उनको मतलब कि कैद में ले लिया गया था, ठीक है, हिरासत में ले लिया गया था। फॉलोइंग किसके बाद? फॉलोइंग मिस होता के बाद, सस्पिजन मिस होता शक। ऑफ गैम्बलिंग, तो जो जुए का एक शक के बाद उनको डिटेन कर लिया गया था, ठीक है। बट लेटर, लेकिन बाद में रिलीज, उनको रिहा कर दिया गया। एज पुलिस डिड नॉट हैव, क्योंकि पुलिस के पास नहीं थे एनी एविडेंस, कोई सबूत अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। ही डाइड, वह ख़त्म हो गए, पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है। अबाउट, अबाउट मीन्स था लगभग। हाफ एन आवर लेटर, तो आधे घंटे बाद क्या हुआ? आधे घंटे बाद वह ख़त्म हो गए, ठीक है। द काज ऑफ हिज डेथ, जो कारण है उनकी मौत का, विल बी क्लियर, वो साफ होगा आफ्टर द ऑटोप्सी रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम की जो ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये जो मौत का जो कारण है वो स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट दोज, कार्रवाई अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार हैं, विल बी टेकन, तो जो कार्रवाई है, ठीक है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विल बी टेकन ली जाएगी, ठीक है, बेस्ड ऑन के आधार पे द अवेलेबल फैक्ट्स, तो जो उपलब्ध जो फैक्ट्स होंगे, जो तथ्य होंगे, उनके आधार पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपराधियों के खिलाफ। द ऑटोप्सी विल बी कंडक्टेड, जो ऑटोप्सी है, जो पोस्टमार्टम है, विल बी कंडक्टेड, उसे किया जाएगा, ठीक है। कंडक्ट मीन्स होता डू, करना। बाय अ पैनल, एक पैनल द्वारा, ऑफ थ्री डॉक्टर्स, तीन डॉक्टरों का जो एक पैनल होगा उसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। एंड द इंटायर प्रोसेस, और जो पूरा जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, इंटायर मीन्स होता कंप्लीट, ठीक है। विल बी वीडियोग्राफ्ड, उसकी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। विजय वर्गीय एडेड, विजय वर्गीय ने ऐड किया, ठीक है, वीडियोग्राफ मीन्स होता वीडियो बनाना। द विक्टिम्स ब्रदर, तो जो पीड़िता के जो भाई हैं, मोहम्मद वाजिद अब्बासी एलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। साजिद वॉज स्टैंडिंग, तो जो साजिद है वो खड़ा हुआ था। नियर सम लोकल्स, कुछ जो स्थानीय लोग थे उनके पास में वो खड़ा हुआ था। हु वर प्लेइंग कार्ड्स, जो ताश खेल रहे थे। ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर, ठीक है, सड़क के पास है, सड़क पर। वैन थ्री कॉन्स्टेबल्स, जब तीन पुलिस वाले कॉन्स्टेबल टुक हिम अवे, उन्हें ले गए, ठीक है, सस्पेक्टिंग हिम, उन पर ये शक करते हुए, टू बी वन ऑफ दैम, वह उनमें से एक हैं जो वहाँ पे जो ताश खेल रहे थे, ठीक है। ही वॉज नॉट इवन एबल टू स्टैंड, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, आफ्टर द पुलिस रेसिंग, पुलिस के पीटने के बाद, ठीक है। वैन फ्रॉथ, फ्रॉथ मिस होता झाग। वैन फ्रॉथ स्टार्टेड कमिंग, जब जो झाग है स्टार्टेड कमिंग, आने चालू हो गई। आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से। द कॉप्स, तो पुलिस वाले ने क्या किया, हैंडेड हिम ओवर, तो उसे सौंप दिया, टू अस, हमें, एंड टोल्ड अस, और हमें कहा, टू ब्रिंग हिम बैक, उन्हें वापस लाने के लिए। वंस, जैसे ही हिज कंडीशन, जो उनकी हालत है, बिकम्स स्टेबल, स्थिर हो जाती है, तो उन्हें वापस लाने के लिए पुलिस वालों ने हमें कहा, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू कमेंट ऑन द फैमिलीज एलिगेशन, तो जो परिवार वालों के जो आरोप हैं उस पर टिप्पणी करने से मना करते हुए, ठीक है, रिफ्यूज में सोता मना करना। सीओ खेकरा, तो जिस सीओ हैं खेकरा के, प्रीता हु गोज़ बाय द फर्स्ट नेम ओनली, जिनका ये पहला नेम है यहाँ पर, ठीक है, सैड, उन्होंने कहा, नो विजिबल इंजरीज, कोई भी जो बाहर से देखी जाने वाली जो इंजरी है, चोट है, वर फाउंड, तो वो पाई नहीं गई है, कोई भी बाहर से देखी जाने वाली चोट पाई नहीं गई है, ऑन हिज बॉडी, उनके शरीर पर, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर द ऑटोप्सी रिपोर्ट, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर, हम इंतज़ार कर रहे हैं, दी ऑटोप्सी रिपोर्ट, जो ऑटोप्सी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। एएसपी बागपत, जो एएसपी हैं बागपत के, मनीष कुमार मिश्रा एडेड, उन्होंने ऐड किया, एन इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड, तो एक जो इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड, उसे चालू कर दिया गया, ठीक है। नो एफ आई आर हैज़ बीन लॉस्ट, कोई भी एफ आई आर दायर नहीं की गई है सो फॉर, अब तक। वी आर येट टू रिसीव अ कंप्लेंट, हमें एक शिकायत मिलना अभी बाकी है,
ठीक है, अभी ये काम हुआ नहीं, इसे दो सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं अभी अभी हमें अभी कोई कंप्लेंट मिली नहीं है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं अभी हमें एक कंप्लेंट मिलना बाकी है इन द मैटर, मामले में, ठीक है। सो गाइस, इसमें जो टफ़ वर्ड्स हैं ये मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।